डियर स्टूडेंट्स, हम पार्शल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे पहले वीडियो में हमने पढ़ा. नाउ वी विल कंसिडर सम मोर क्वेश्चंस ऑन पार्शल डिफरेंशिएशन. सो क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एंड एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई. हमको प्रूव करना है बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू टू ए बी जेड. मतलब जो फंक्शन है जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हियर एंड वी हैव टू जो हमको शो करना है उसमें क्या क्या डिफरेंशियल कोफिशियंट है. पार्शल डिफरेंशियल कोफिशियंट डेल जेड बाय डेल एक्स है और डेल जेड बाय डेल वाई है. तो ये दो वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है. मतलब मुझे जेड को पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे जेड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स. इसको जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन. तो हमको जो प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का है वो यहीं पे लगाना है. पार्शल के लिए भी सेम सभी रूल वही है जो डेरिवेटिव के रूल है. प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, कंपोजिट फंक्शन सभी वैसी है, सिर्फ यहाँ पे दो वेरिएबल. तो हम जब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है. तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये आएगा. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज. और ए एक्स प्लस बी वाई को हम फिर से करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है. इसको ए एक्स प्लस बी वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो वाई क्या है, कांस्टेंट. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो. तो ई टू द पावर ऑफ ए एक्स को हम फिर से अगर ए एक्स को और प्लस बी वाई इसको फिर से करेंगे तो सिर्फ एक्स को करेंगे हम क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन जीरो है. तो यहाँ क्या आएगा, ए. और ये एज इट इज एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज प्लस. अब मैं इसको वैसी रखती हूँ, इट इज़ ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एंड वी विल डिफरेंशिएट दिस वन. तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया है तो हम व्हाट वी विल राइट एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एंड इट इज़ अगेन कंपोजिट फंक्शन क्योंकि एफ है और ये ए एक्स माइनस बी वाई इटसेल्फ ए फंक्शन. इसको फिर से डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो अगेन वाई के रिस्पेक्ट में जीरो होगा और एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ये ए आएगा. देन वॉट वी हैव टू डू, एक हमने निकाल लिया डेल जेड बाय डेल एक्स. अब हमको निकालना है डेल जेड बाय डेल वाई. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जेड को पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई. अब जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया. तो अब इसमें फिर से सेम वही प्रोडक्ट रूल लगाना है. पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. लेकिन अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको फिर से करेंगे हम तो एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा और वाई का वन होगा तो इंटू बी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फंक्शन एज इट इज ए एक्स माइनस बी वाई प्लस. देन कीप दिस वन एज इट इज ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एंड डिफरेंशिएट दिस. अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो एफ है तो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई. अब जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक्स का जीरो होगा लेकिन यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी मल्टीप्लाई क्योंकि वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस बी. तो यहाँ आएगा माइनस बी. नाउ शो दैट में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है इसमें ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो पहले हम इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई एंड देन पुट द वैल्यूज. अब यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ए है, इसको मैं पूरे दोनों दो टर्म है दोनों टर्म को बी से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा ए बी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस. यहाँ पे भी ए है और बी से मल्टीप्लाई किया गया है तो ए बी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई देन प्लस. देन सेकेंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे भी दो टर्म है, एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस. प्लस नहीं, अब देखो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना लेकिन यहाँ बीच में क्या है, माइनस है. सो वी टू राइट माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है ए बी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई. नाउ चेक इट, ये दोनों के दोनों सेम है विथ अपोजिट साइन. एक प्लस ए बी है और एक माइनस ए बी और फंक्शन बाद में का सब सेम है. दिस टू टर्म विल बी कैंसिल और दिस टू टर्म्स आर ऑल्सो सेम है. तो ये आएगा टू ए बी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई. तो वॉट इज दिस, ये वाला फिर से जेड आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए बी जेड.
सो इट इज़ अ राइट हैंड साइड. सो इन दिस वे वी कैन चेक. तो जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें चेक करना है कि जेड जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो हमें क्या क्या निकालना है, वो फाइंड आउट करना है एंड पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर.